ଶୁଭ୍ର ଶାରଦୀୟ ସ୍ନାତ ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠର ଏ ତୃତୀୟ ଦିବସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା ବେଳେ ଅଦିୟ ଦିନରେ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଏ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାବିଧି ଭିତରେ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିବସ। ଆଉ ସେଇ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଣି ସେଇ ଚଣ୍ଡୀପାଠର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଅର୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ର ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚଣ୍ଡୀପାଠ। ଓମ୍ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଇ ନମଃ। ଓମ୍ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଇ ନମଃ। जय दुर्गायै नमः। अथ अर्गळास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अर्गळास्तोत्र मन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवताम् श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तसती पाठंगतेन पाठे विनियोगः। मांकर स्तो उद्देश्य रे होची अर्गळा स्तोत्र। आउ ये अर्गळा स्तोत्र र समापन करिछु आमे ऋषि छंद। ओम नमः चंडिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय ऋषि मध्य जनईछंती नमस्कार। आउ नमस्कार जनईला बेले मार्कंडेय ऋषि कहुछंती हे माँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आपण मानंकर समस्तंकर चरण कमलार बिंद जुगळरे नमस्कार नमस्कार आउ नमस्कार। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हे देवी चामुण्डे आपणंकर जय हो। सब प्राणींकर विजय विधान करुथिबा आपण आपणंकर मध्य जय हो। एवं आपणंकर ये जय सकल चिराचरित जगत को व्याप्त हेउथौमा। मधु कैटव विद्रा विविधातृ वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। मधुकैट भविद्रावि विधातृ वरदे नमः। आपण मधुकैट को दहन करिछंती वा मधुकैट को बाध करिछंती से जगत सकल जगतर जेपरि आपण मधुकैट को दहन करी सकल जगतर पाप ताप नाश करिछंती सेहि भली भावरे ये जगतर सकल समस्तंकर सकल प्राणींकर विजय कामी कहंतु। महिषासुर नरनाशी भक्तानं सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। आपण महिषासुर को बद्ध करिछंती भक्तंकर सुख प्रदान करिबा निमित्त ए महिषासुर रूपी राक्षस को बद्ध करितिबा हे महादेवी आपण आम मानंकु जय प्रदान करंतु सुख प्रदान करंतु आनंद प्रदान करंतु। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। आपण रक्त बीज को मध्य बध करिछंती आपण चंडमुंड को मध्य विनाश करिछंती आपण आमको रूप जस दिव्य ज्ञान प्रदान करिबा हंतु। शुंभ शैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। आपण शुंभ निशुंभ एवं धूम्राक्ष भली राक्षस मानंकु बद्ध करी से मानंकर उद्देश्य रे उड़ैछंती जैत्र वैजयंती आपण रूप प्रदान करिबा हंतु जस प्रदान करिबा हंतु काम क्रोधादि सकल शत्रु को विनाश करिबा हंतु। हे देवी वंदितांघ्री जुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। आपणंकु मु वंदन करुछि आपणंकु मु अर्चन करुछि आपणंकर उद्देश्य रे मु पूजा अर्चना ज्ञान्त करुछि। हे महादेवी आपण मते रूप जस काम क्रोधक विजय विधान करी आपण सदा सर्वदा मो पाई मंगलदायी हुंतु। अचिंत्य रूपचरिते
सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। तुम रूप चरित्र को वर्णना करबा को मो बा कलिहत मानव केते ज्ञानत मा केते ज्ञानतव्य शक्तिवर तेणु हे माँ तुम रूप चरित्र वर्णना करबा अधमरे भावाधन तुल्य तुम्हें मो पाई रूपदायी जसदायी मुख्यदायी मंगलदायी हो माँ। नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। सकल जगतर त्रिताप को नाश करुथिबा हे देवी पाप ताप को विनाश करुथिबा हे देवी आपणकर चरण अरविंद तले शतकोटि प्रणाम ज्ञापन पूर्वक आपण रूप प्रदानकारी हुवन्तु जस प्रदानकारी हुवन्तु विजय कामिक हुवन्तु मा। स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। हे रोग अशोक विनाश करुथिबा देवी चंडिके आपण को जीए जो मुहूर्त रे जे परिभाव रे ज्ञान करिछि मा जे ओहली भाव रे स्तुति करिछि आपण सकल जगतर पाप ताप को विनाश करी सकल जगत पाई रूपदायी जसदायी मोक्षदायी भक्तिदायी होंतु मा। चंडिके सततम जे त्वामर्चयन्तिह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। तुमको पाठ करिए संसार सकल जनमानस आरोग्य प्रदानकारी होइथा मा ये सकल जनमानस को तुम्हें सुख शांति रे विराजित होइबाकु दियो मा समस्तंकर चलापथ को कुसुमित करी वो चलापथ रे मध्य तुम्हें रूप जस गुण ज्ञान र विवर्धन कर मा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। रूप जय जस प्रदान पूर्वक काम क्रोधादि शत्रुमानंको विनाश करी हे माँ तुम्हें सदा सर्वदा आरोग्य प्रदानकारी होइथा मा एवं सकल जगतर सुख एवं परम आनंददायी हो मा तुम्हें आनंददायिनी नामक सार्थक कर। विधेहि द्विषतम नाशम विधेहि बलमोचकैः रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। हे माँ हे जगदम्बिके जो माने मो उपर ईर्ष्या करिछन्ति जो माने जगत रे शत्रु भाव पोषण करुछन्ति सेमानंक सकल विनाश करिबा पूर्वक आपण सकल जगत को जस प्रदान करंतु रूप प्रदान करंतु ज्ञान प्रदान करंतु बुद्धि प्रदान करंतु एवं ये जगत रे जे आपणंकु आश्रय करिछि। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमहंस्यं रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। हे मा आपण मते रूप जस प्रदान करंतु काम क्रोध रूपक शक्ति को विनाश करंतु एवं मा ये सकल जगत पाई आपण कल्याणकारी हुवन्तु कल्याण प्रदानकारी हुवन्तु। सुरा सुर शिरोरत्नम निगुष्टः चरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। हे मा आपण देवासुर संग्राम समय रे देवता मानंकर मुकुटर मणि साजी थिला बेले असुर मानंकर मध्य देह अटंती तेणु से असुर माने एवं देवता माने उभय निज निज मस्तक रे धारण करथिबा मणि को आपणंकर चरणारविंद तले अर्पण करथिला भली आपण सर्व काम रे विजय प्रदानकारी होंतु रूप जस प्रदान करबा होंतु काम क्रोध को विनाश करंतु। विद्यावंतम जसस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनंकुरो रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। माँ तोरी चरणारविंद तले भक्तिर ज्ञापन बाढ़ुला बेले भक्तिर अर्घ्य प्रदान करुला बेले माँ तू मते रूप देहि कर तू मते जय विजय कामिक कर माँ मते विद्यावान करा लक्ष्मीवंत करा एवं सकल जगत रे जनमानस भितर यशस्वी जसवार्ता प्रदान कर माँ ये सकल जगत तोरी कृपारु लक्ष्मीवंत हो विद्यावंत हो जसवान हुवन्तु सकल जनमानसर सकल जनश्रेणी। प्रचंड दैत्यदर्पघ्ने चंडिके प्रणतायमे रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। प्रचंड दैत्यमानंकर दर्पक दळन करुथिबा हे मा चंडिके तुमर चरणारविंद तले शतकोटि प्रणाम पूर्वक शतकोटि प्रणाम ज्ञापन करिबा पूर्वक तुम्हें सकल जगत को रूप प्रदान कर जस प्रदान कर सकल जगतर काम क्रोधादि शत्रुमानंको विनाश करिबा हुअ मा। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र सस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि। चतुर्मुख ब्रह्मांक द्वारा प्रसंगसित चारोटी भुजधारिणी हे परमेश्वरी हे चतुर्भुजे आपणंकर चरणारविंद तले नमस्कार पूर्वक आपण ये सकल जगत को रूप जस ज्ञान प्रदान करिबा हुवन्तु काम क्रोधादि शत्रुर विनाश साधिका हुवन्तु मा। कृष्णेन सस्तुते देवी सस्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जयि।
ये जगत जहां को पूजा करे माँ भगवान नारायण भाव रे जो भगवान नारायण द्वापर रूप हूँ कृष्ण रूप बा भगवान कृष्ण रूप से ही कृष्ण भगवान से ही नारायण से ही चतुर्भुजधारी विष्णु आपण को सकल प्रिय वस्तु भाव में पूजा अर्चना करी भक्ति आपण संतुष्टता लाभ करी हे अंबिके तेणु से ही भगवान विष्णु आराध्या देवी माँ अंबिके आपण जगत को रूप जश ज्ञान बुद्धि विद्या प्रदान पूर्वक काम क्रोधादि शत्रुर विनाश साधिका हुंतु हिमाचल सुतानाथ सस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि आपण होचंति हिमालय कन्याका कन्याका बा शैलाधिराज तनया माँ पार्वती देवींकर पत्त माँ पार्वतींकर स्वरूप एवं महादेवंकर पत्नी देवदेव महादेव आपणंको प्रिय वस्तु भावरे ग्रहण करिथिला बेले आपण देवदेव महादेवंकर प्रिय संगिनी होइथिला बेले आपण ये जगत पाई प्रिय भाजन होवंतु रूप जस ज्ञान बुद्धि प्रदान करिबा होवंतु इंद्राणी प्रतिशत भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि देवता मानंकर राजा राजाधिराज इंद्र आपणंक मध्य पूजा करूथला बळे आपणंकर शरण तळे चरण तळे शरण जाईथला बळे हे मां हे इंद्रादि देव पूजिता मां देवी जगदम्बिके आपण ये जगत पई कल्याणकारी होंतु देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यरूप विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि प्रचंड भुजदंड धारण करिथिबा दैत्य मानंक विनाश करिथिबा हे दैत्य दर्पण दर्प दलनकारिणी मां दुर्गे दुर्गति नाशिनी अभय वरदायिनी अंबिके आपण ये जगत पाई साहा प्रदानकारी हुवंतु जगत को अभय प्रदान करंतु मां आपण अंबिके सदा सर्वदा ये जगतर मंगल कामना करंतु एवं ये जगत को रूप जस गुण ज्ञान बुद्धि प्रदायिका हुवंतु देवी भक्त जन दाम दतानंदो दयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि आपणंकर भक्त मानंकु सर्वदा आपण प्रदान करि आसिछंति जस बुद्धि ज्ञान एवं असीम आनंद आउ से ही आनंद रे आनंददायिनी देवी रूप से आपण प्रतिभात हुवंतु आपणंकर भक्त मानंकर सर्व मुख्य काम को पूर्ण पूर्ण प्रदान करंतु सकल जनमानसर मनमानसिक को पूर्ण करिथांतु हे देवी आपणंकर चरणारविंद तले शतकोटि प्रणाम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुग्ध संसार सागरस्य कुलद भवा संसार भितरे घर करबा को हेथिले जड़े पत्नी को ही वरण करवाक पड़ी था एवं शास्त्र न्याय मतरे पुत्रार्थे क्रियते भार्या बोलिक जो संज्ञार प्रतिपादन अच्छी से ही संज्ञार प्रतिपादन स्वरूप उत्तम पत्नीटे लाभ करने हे देवी आपणकर चरणारविंद तले शरण जाऊँगी आपण मत सुंदर पत्नी प्रदान करवा हूँ इदम स्त्रोत्र पठित्वा तो महास्त्रोत्र पठे नरहम सतो सप्तशती संख्या बरमाप्नोति संपदाम ओम ये देवी होचंति सदा मंगलकारिणी ये सदा आनंददायिनी ये सर्व सौभाग्य प्रदायिनी तेणु ये देवींकर ये अर्गला स्तोत्र महामंत्र को जो माने पाठ करती से मानंको निश्चित भाव रे श्रेष्ठ फल ही प्राप्ति होइथाय तेणु हे श्रेष्ठ फल फल प्रदान करि पारुथिबा महादेवी तुमरी चरणारविंद तले शतकोटि प्रणाम मा शतकोटि प्रणाम दिव्या अर्गला स्तोत्रम श्री दिव्यार्पणमस्तु सप्तशती पाठ रे ये देवींकर अर्गला स्तोत्र एठारु संपूर्ण हला अतः किलकम् ओं अस्य श्री किलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवतां श्री जगदम्बा प्रीतिरथं सप्तशती पाठंगत्वेन पाठे विनियोगः इथिला किलक स्तोत्रर ऋषि छंद एवं अयम आरंभ ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे मार्कण्डेय कहिले हे देवी चंडिका आपणंकर चरणारविंद तले नमस्कार आपण होचंति विशुद्ध ज्ञानर स्वरूप त्रयी वेदमानंक भितरे आपण होचंति वेदत्रयी आउ से वेदत्रय होचंति आपणंकर दिव्य नेत्र जिए कल्याण प्राप्तिर कारण
एवं निज मस्तक आपण धारण करिसंती अर्धचंद्रर मुकुट श्री भगवान स शिव को आपणकर उद्देश्य रे मध्य मु नमस्कार जनाउछि। सर्वमेतत् बीजानियान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमम् आप्नोति सततम् जाप्य तत्परः। सर्वमन्त्रमानङ्क मध्यरे श्रेय ए कीलक मन्त्र आउ से कीलक मन्त्र को जो माने पाठ करन्ति से मानंकर मंत्र सिद्धिरे विघ्न उत्पन्न करुथिबा साप रूपी कीलक को निवारण करिथान्ति देवी। तेणु सप्तसती स्तोत्र को संपूर्ण रूपे जानिबा उचित एवं जानिबा परे पूर्वरु ए कीलक पाठ करिबा मध्य विधेय। सिद्ध्यन्तो चाटनादिनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति। एही कीलक पाठ करिबा द्वारा उच्चाटन तंत्र शास्त्र रे थिबा शास्त्रर पाठर विधि मध्यरे जेमिति उच्चाटन वशीकरण ए उच्चाटन आदि मंत्र गुड़िक सिद्धि प्राप्त होइथांती एवं देवी को स्तुति करंती। तांको स्तुति करिबा मात्रे सर्व ज्ञान स्वरूपिणी सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवींकर सिद्धि प्राप्ति होइथा। न मंत्रो नुषधम तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्ध्यत सर्वमुच्चाटनादिकम्। एही कीलक मंत्र पाठ करिबा द्वारा मंत्र रे ही सिद्धि मिली थाए आउ मंत्र रे जो सिद्धि मिली थाए से सिद्धि पाई जप रे जो सिद्धि मिली थाए से सिद्धि पाई सर्व प्रकार रा मंत्र औषध तथा साधन रा विनियोग करिबार आवश्यक पड़े नाही। समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसंगा मिमंगरः कृत्वा निमंत्रयामास समेव मिदं शुभम्। एही कीलक पाठ करिबा द्वारा सकल अभीष्ट पूर्ण होइथाए सकल शांति मिली थाए एवं सकल आचार व्यवचार आचार विचार मध्यरे सिद्धि प्राप्ति मध्य होइथाय। स्तोत्रम वैचंडिकायास्तो तच गुप्तम चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तं यथा वन्निमन्त्रिणाम्। लोकमानंक मनरे थिबा धारणा जे सप्तसती पाठ करिबा द्वारा बा सप्तसती चंडीर साधन करिबा द्वारा जो उपासना द्वारा जो सिद्धि लाभ होइथाय से सिद्धि तो लाभ हुए निश्चित भाव रे। जनमानस रे थिबा ये जनादृति माध्यम रे देवी मध्य वरदाई होंती फलदाई होंती एवं जिज्ञासु मानंकर सकल जिज्ञासा को परिपूर्ण करिथान्ति देवी एवं सकल शंका को दृष्टि रे रखी भगवान निज शंकर निज पाख को आसीथिबा सकल जनमानस रो सिद्धि प्राप्त रे सकल जनमानस रो जिज्ञासा को प्राप्ति करिबा उद्देश्य रे ही कल्याणमय साजन्ति। सोपि क्षेमम् आप्नोति स्रमेवं न संशयम् कृष्णाय वंचतुदस्या मष्टम्याबा समाहितः। महादेव गुप्त भाव रे रखिथिले ये सप्तसती चंडी को यहाँ मध्य मार्कंडेय पुराण अनुसार वर्णित सप्तसती पाठ द्वारा जहार पुण्य अक्षय तहार केबे हेले समाप्ति हुए नाही। पुणी ये सप्तसती र श्रेष्ठता यथार्थ भाव रे जानिबा उचित जेभली भाव रे अन्य मंत्र गुड़िकर जप करुथिबा पुरुष जदि सप्तसती स्तोत्र एवं जप अनुष्ठान करंती सेमानंको सकल सिद्धि आउ मोक्ष प्राप्ति होइथा। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थम रूपेण किलेन महादेवेन किलितम्। प्रतिबंधक बा कीलक द्वारा महादेवंकर स्तोत्र को किलित करि रखिछन्ति तेणु ये स्तोत्र पाठ करिबा द्वारा सकल सिद्धि प्राप्त होइथाय सकल विघ्न नाश जाइथाय। जो निष्किलांग विधायिनां नित्यं जपति सस्फुटं ससिद्ध सगणः सोपि गंधर्वो जायते नरः। पूर्वोक्त विधि विधान अनुसार सप्तस्वती पाठ कला समय रे सुंदर भाव रे शुद्ध उच्चारण पूर्वक जो माने ये सप्तसती पाठ करंती सेमानंको निश्चित भाव रे सिद्धि मिले। न चैवा प्यटतस्तस्य भयं क्वापि जायते ना प्रमृत्यु वसं जाति मृत्यु मुख्य मवाप्नुयात्। संसार रे जे कोनसी स्थान रे भ्रमण कले मध्य जे कोनसी स्थान रे विचरण कले मध्य सर्वत्र विचरण करंतु किबा श्मशान वन किबा नदी तट किबा ग्रामर अंत किबा ग्रामर मध्यभाग जे कोनसी स्थान रे विचरण कले मध्य आपणंको कोनसी जागा रे भय ग्रास करे नाही। ज्ञन्त्वा प्रारभ्य कृपितम् न कुर्बाण विनश्यति तत ज्ञन्तैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धि। ये होची देवींकर ज्ञान्त कथा देवींकर ज्ञान्त स्तोत्र तेणु ये ज्ञान्त स्तोत्र भितरे आपणंको केवल जे भय नाश जाय ताहा नुहे यहाँ मध्य सकल सिद्धि एवं विजय कामिकर मार्ग अटे।
सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। यह केवल जे पुरुष मानंग पई सौभाग्यप्रद ताहा नुहे, यह स्त्री मानंग मध्य सौभाग्यवती कराए। आउ ये किलक पाठ करुथिबा व्यक्ति माने मार प्रसाद रु जहाँ जहाँ जानती बा जुआड़े जुआड़े गति करिथांति सकल जागा रे मानंको सौभाग्य शुभ मंगल ही प्राप्ति होइथा। शनैस्तु जप्यमानस्मिन् स्तोत्रे संपदि रुचकैः भवत्येव समग्रापि तत प्रारभ्यमेव तः। मातृ करुणा लाभ करिबा को हेले, मातृ कृपा प्राप्ति करिबा को हेले, मार मंत्र उच्चारण करिबा को हेले, ये सप्तसती पाठर विधि अनुसार ये मंत्र को उचित भावरे स्पष्ट भावरे उच्च स्वरे उच्चारण कले मां निश्चित भावरे सिद्धिदायी फलदायी होंती। जेऊ स्थान रे मंत्र उच्चाटन भावरे पालन करा जाए बा मंत्र को पाठ करा जाए से स्थान मध्य पवित्रकरण हो जाए। ऐश्वर्यम् जत प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानि परमोक्ष्यः स्तुयते सान किंजने। जहांकर प्रसादरु सौभाग्य ऐश्वर्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश होइथाय। जिए परम मोक्षर सिद्धिदायिनी सिद्धि प्रदायिनी माँ जगत कल्याणकारी जगदम्बिके ताहंकर स्तुति गान कले बा ताहंकर आराधना कले ये मनुष्य जे कहीं की मोक्ष प्राप्ति न हब ए कथा चिरंतन सत्य सत्य आउ सत्य आउ से सत्यतार पर्यवस्थता भितरे आज तृतीय दिवस मार करुणा लाभ करिबा हंतु। ये सर्व करुणामयी माँ आपण को सदा सर्वदा बरदायी फलदायी शुभदायी हो आउ से मार चरणार बिंद तले भक्ति अर्घ्य को समर्पण करी आज दिवस परिसमाप्ति कार्यक्रम को दुर्गार्पणमस्तु करुअछु। एवं एई किलक स्तोत्र रे आज ये षोडश दिनात्मक पूजार तृतीय दिवस अंत।